आज में कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। कुंभ के दौरान 12 करोड़ लोगों के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में यूपी सरकार श्रद्धालुओं को लुभाने की हर संभव कोशिशों में जुटी हुई है। इस बार कुंभ के मेले में श्रद्धालुओं को लेजर शो दिखाया जाएगा, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार ने बड़े पैमाने पर कुंभ मेले की तैयारी की है। इस बार कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को लेजर शो भी दिखाया जाने वाला है। इस भव्य लेजर शो के जरिए यहां आने वाले लोगों को कुंभ मेले की अहमियत को बताया जाएगा। लेजर शो का वीडियो भी सामने आया है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो जारी किया है। दरअसल वीडियो के जरिए कुंभ मेले में शिरकत कर रहे श्रद्धालुओं को मेले का महत्व और इससे जुड़ी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में बताया जा रहा है कि जिन चार जगहों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, उन जगहों पर किस तरह अमृत की बूंदें गिरी थी। तब से उन्हीं चार पवित्र जगहों पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जा रहा है। सागर को खुदा तो ही और बहुत अच्छी चीज है। कुंभ में तमाम चीजें लगी हैं, लेकिन इससे जो है जो जानकारी लोगों को देखने से होती है, पूरी कहानी इसमें आ जाती है आंखों के सामने। और इससे हमारा कुंभ क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया गया है, इसके बारे में पूरा विस्तार से लोगों के दिमाग में बैठ जाता है, लोगों को जानकारी होती है। और ये लेजर के द्वारा जिस तरह से वीडियो दिखाया जा रहा है, वो किस तरह से लगता है? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इससे पूरी बातें दिमाग में आदमी बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाती है, उत्सुकता रहती है। हाँ, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन की शिप्रा, नासिक की गोदावरी और इलाहाबाद में जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, यही वो चार पवित्र जगह है जहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता रहा है। वीडियो में देव और दानवों का युद्ध भी दिखाया गया है। पौराणिक कहानियों के अनुसार जब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र के मंथन के बाद पैदा हुए सभी रत्नों को आपस में बांटने का फैसला किया, समुद्र के मंथन में जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला था वो था अमृत। बस उसे ही पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वो पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब गरुड़ से वो पात्र छीनने की कोशिश की तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी। इधर प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी लुकिंग जो है तो बहुत बेटर लग रही है। हम लोग वहाँ थे और इसका दूर से देखे तो काफी इसका लुक अच्छा लग रहा है, इसलिए हम लोग पास से देखने के लिए आए। इससे पूरा ये साउंड में है, पूरा विजुअल, इससे जानकारी भी मिलती है। हाँ बिल्कुल, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ की पूरी मतलब की उसकी है, इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती है, बारे में क्लियर होता है कुंभ यहाँ क्यों लगता है, क्या है। जी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हम यहाँ पढ़ते हैं, स्टूडेंट है इलाहाबाद में, आते हैं यहाँ पे देखने के लिए कि कैसा व्यवस्था किए हैं योगी जी। बस अच्छा व्यवस्था। हाँ एकदम अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। और ये लेजर शो कैसा लगा? लेजर शो हमें बहुत अच्छा लगा देख के, ये योगी जी। हाँ जानकारी हमें मिलती है यहाँ के बारे में, यहाँ के अच्छा वर्ड जो है दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा है, अत्यधिक सुंदर। क्योंकि आई थिंक जब से हम यहाँ कुंभ आते जाते हैं, बाबा और दादी दादी लोग कुंभ में कल्पवास करते हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसी व्यवस्था पहली बार देख रहे हैं। इस लेजर शो से कुछ समझ में भी आता है, क्योंकि साउंड में पूरा है, वीडियो साउंड बिल्कुल एकदम क्लियरिटी, एकदम वीडियो, एकदम ग्राफिक्स जो है एकदम बढ़िया है। ओवरऑल इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा भगवान की महिमा पूरा दर्शाया गया है। बहुत ही अच्छा लगा, नया प्रयोग है, बहुत अच्छा लगा। इस बार बिल्कुल अलग है, बहुत व्यवस्था हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो बाहर से लोग आएंगे उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और भी कल्चर के लोग जो आएंगे उनसे उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हालांकि ज्योतिष के मुताबिक जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है
तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में से सबसे ज्यादा महत्व रखता है। कुंभ का मतलब कलश है। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। धर्मनगरी प्रयागराज में